तो हम सबको पता है कि नेफिटारी वीवी प्रिंसेस है एल्बास्टा किंगडम की, और ये भी पता है कि वीवी ऑलमोस्ट 100+ चैप्टर से सेल कर रही थी स्ट्रो हैट पायरेट्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ एल्बास्टा किंगडम को कोल्ड वॉर से बचाने के लिए और क्रोकोडाइल को हराने के लिए। पर ये सब होने के बाद भी वीवी स्ट्रो हैट पायरेट्स के क्रू को ज्वाइन नहीं करती है, क्योंकि उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी थी एज अ प्रिंसेस ऑफ एल्बास्टा किंगडम। और फिर भी स्ट्रो हैट और मोस्ट लाइकली लूफी उसे अपनी ही क्रू का एक हिस्सा मानते हैं, और ये सिंबल प्रूफ है उनकी फ्रेंडशिप का। तो लूफी ने जब अपनी पायरेट जर्नी को स्टार्ट किया था तो वो चाहता था कि उसके क्रू में ऑलमोस्ट 10 मेंबर्स तो होने ही चाहिए, और उस 10 मेंबर में से उसने 9 मेंबर्स को रिक्रूट कर लिया है। तो अब सिर्फ एक ही मेंबर बचता है जो कि मोस्ट लाइकली प्रिंसेस वीवी होगी, क्योंकि चैप्टर 1085 कंफर्म करता है कि प्रिंसेस वीवी ही 10th मेंबर है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की। क्योंकि इस चैप्टर में जब कोबरा ने साबो को बताया था कि नेफिटारी वीवी उसकी बेटी का पूरा नाम नहीं है, बल्कि उसका पूरा नाम है नेफिटारी डी वीवी, और ये ही डी लूफी और वीवी को साथ में लाएगा। और कोबरा ने साबो को ये मैसेज लूफी और वीवी दोनों को बताने का टास्क दिया है। और क्योंकि कोबरा इस दुनिया से जा चुका है तो इमुसामा प्रोबेबली एल्वेस्टा का किंग किसी और को बना देगी, और ये न्यूज स्ट्रो हैट पायरेट्स तक तो पहुंच ही जाएगी। यही नहीं, अभी और सुनिए, CP0 के एजेंट्स वीवी के पीछे पड़े हैं, और वीवी के लिए सबसे सेफेस्ट ऑप्शन ये होगा कि वो स्ट्रो हैट पायरेट्स के क्रू को ज्वाइन कर ले, जो कि ऑफिशियली एक योंको की क्रू बन चुकी है। तो ऐसे ही प्रिंसेस नेफेटारी डी वीवी स्ट्रो हैट पायरेट्स को ज्वाइन करने वाली है। तो आपको क्या लगता है मेरी इस थियोरी के बारे में, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और पहले कमेंट करने वाले को कमेंट में पिन कर दूंगा। और अगर आपको ये भी जानना है कि टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट डेविल फ्रूट कौन से हैं 2023 के हिसाब से, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं।